तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास बोल्ट की तरफ से एक इंटरेस्टिंग सा TWS है जिसका नाम है दोस्तों बोल्ट ऑडियो K20। इसे गाइज मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में परचेज कर लिया था ओनली 799 में। पिछले कुछ दिनों से इस TWS को दोस्तों मैं यूज भी कर रहा हूं। बॉक्स को अनबॉक्स करूंगा, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और गाइज हैवी टेस्टिंग के साथ रिव्यू करने वाला हूं। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गाइस पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और गाइस यहां पे इन्होंने मेंशन कर दिया मेड इन इंडिया। तो दोस्तों प्रॉपर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, सारे वीडियो में कवर करूंगा। बॉक्स कंटेंट में आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, एक आपको बनियर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड मिल जाता है। इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे। एक आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे बढ़िया लगे है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। एकदम पॉकेटेबल डिजाइन देखने को मिलता है तो दोस्तों कैरी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों केस इन्होंने फुली मैट फिनिश के साथ बनाया है। इसमें जो प्लास्टिक यूज किया है वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और गाइस फुली टेक्सचर के साथ ये केस आपको मिलता है। सामने की तरफ आपको बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और दोस्तों 4 लाइट इंडिकेटर लगाए जो आप आपके बैटरी के स्टेटस को बताएंगे। इस साइड आपको मिल जाता है टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग पोर्ट। हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों हिंज की क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी है। ओपन क्लोजिंग काफी अच्छे से हो रहा है और दोस्तों बिल्कुल भी लूज नहीं है। अगर आप अपने केस को उल्टा करें तो दोस्तों आपके बर्ड्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। अंदर की साइड इन्होंने जो प्लास्टिक यूज किया वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और दोस्तों यहां पे इन्होंने लेफ्ट राइट भी मेंशन कर दिया है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगी है। फुली मैट फिनिश के साथ ये बर्ड्स आपको मिल जाते हैं, दोनों में बोल्ट की ब्रांडिंग और दोस्तों यहां पे एक लाइट इंडिकेटर भी लगा है। लेकिन दोस्तों सामने की तरफ आपको ग्लॉसी टाइप के मिल जाएंगे, लेफ्ट राइट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। एक बात दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी, लाइट वेट काफी ज्यादा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इसके फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों ये TWS मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे, उसकी वजह है इसका वेट। दोस्तों वेट बहुत कम है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करो तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और दोस्तों फिटिंग की बात करूं तो दोस्तों फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाएंगे। अगर आप इसे रनिंग के टाइम या वर्कआउट के टाइम यूज करो तो दोस्तों आपके कानों से बिल्कुल भी गिरने वाले नहीं है। इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है तो दोस्तों यहां पे मुझे काफी सही लगा है। बहुत जल्दी से मेरे डिवाइस से ये पेयर हो रहा था। साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक AAC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और गाइस इसमें आपको 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिलता है। तो दोस्तों छोटा सा गेमिंग टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। फिर दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। गेमिंग टेस्ट देख के आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों इससे मैंने BGMI के बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे। मुझे गाइस ऐसा लगता है 40-50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिलता है। तो दोस्तों कैजुअली गेमिंग करने के लिए काफी तगड़ा ये TWS मुझे लगा है। बट दोस्तों अगर आप प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको माइनर सी लेटेंसी मिल रही है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों केस की बैटरी लगभग आपको 32 आवर का प्ले टाइम दे देती है और गाइस बर्ड्स की बैटरी लगभग आपको 4-5 आवर का प्ले टाइम देने वाली है। तो दोस्तों 5 टाइम्स आप अपने बर्ड्स को केस से फुल चार्ज कर पाएंगे। केस लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और दोस्तों बर्ड्स 1 घंटा 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएंगे। कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको क्वाड माइक विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मिल रहा है। दोस्तों इसे मैंने आउटडोर और इंडोर में कॉलिंग के लिए यूज किया था। इसके माइक्रोफोन स्पीकर काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कॉलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइज मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आते रहते कि सर बाइक चलाते टाइम भी कॉलिंग का टेस्ट करिएगा। तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पे मैंने बाइक चलाते टाइम कॉलिंग
रिकॉर्डिंग किया था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन, स्पीकर और दोस्तों एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बोलो। कुछ नहीं, बोलो। बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, बोलो यार। मेरे पास एक माइक्रोफोन की आवाज ठीक से आ रही है बट थोड़ा डिस्टॉर्शन है। हाँ ठीक ठाक रहेगा। और ये बताओ इसमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मोड किया, ठीक है? अभी मैं रोड पे हूँ, बाइक चला रहा हूँ, तो बैकग्राउंड की नॉइज कितनी ज्यादा आ रही है? बैकग्राउंड की नॉइज ये बहुत कम कैंसिल कर पा रहा है, ठीक ठाक मतलब कर पा रहा है, ज्यादा कैंसिल नहीं कर पा रहा है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बर्ड्स आपको IPX5 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों पानी की थोड़ी बहुत इस पे बूंदें गिर जाएंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, वहां पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और गाइस इसके टच कंट्रोल भी काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको टच कंट्रोल समझने हैं तो दोस्तों इस वाले चार्ट को आपको अच्छे से देख लेना है, यहां से सारे टच कंट्रोल आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की क्वालिटी के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले कुछ दिनों से इस TWS को मैं यूज भी कर रहा हूं, ऑलमोस्ट सभी तरीके के मैंने इससे गाने सुने और वीडियो वगैरह भी देख रहा था। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में साउंड की क्वालिटी मुझे काफी तगड़ी लगी है। वोकल्स दोस्तों काफी ज्यादा क्लियर हैं, जो सिंगर की आवाज होती है वो काफी क्लियरली आपको सुनाई देने वाली है। और गाइस बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो भी काफी क्लियरली आपको सुनाई देते हैं। इसमें आपको 13mm के स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बेस भी मुझे काफी तगड़ा लगा है। एक बात से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ हूं, वो है इसकी लाउडनेस थोड़ी सी मुझे कम लगी है। बट दोस्तों अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पर सुन रहे हैं तो दोस्तों वहां पर आपको कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह सुनाई नहीं देता है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों इसकी साउंड की क्वालिटी इस प्राइस सेगमेंट में मुझे काफी बढ़िया लगी है। अब बात आती है 799 में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये TWS मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगे हैं। अगर आपका बजट दोस्तों ₹1000 से कम है तो इसे आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। यही था बोल्ट ऑडियो K20 TWS का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कॉन्टेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।